हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस सेशन में। आज इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपरबली। फिर से बस सुने हाइपरबली। चलिए पढ़ने से पहले एक सॉन्ग सुनिए। सदियों ये जमाना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई वफा नारासा। अच्छा, कहने का मतलब एक दिल टूटा हुआ आशिक बोल रहा है सदियों ये जमाना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई। आप बताइए, जमाना को फुर्सत है? इस इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि लोग एक दूसरे का नाम नहीं याद रखता, उसके बेवफाई को याद रखने का किसी के पास समय है? मतलब ये गाने का उद्देश्य है कि इस गाने में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। एक और भोजपुरी सॉन्ग, चूँकि हम लोग बिहार के हैं तो भोजपुरी कुछ ज़्यादा ही आपके दिमाग में सेट होगा। कल्लू का सॉन्ग है। कलू क्या बोलता है, जिए ना देबू का ए पतर को, खरे परान लेबू का ए सवर को। लड़की क्या बोलती है, लड़की जो बोलती है उसी के बीच का एक अंश है, पॉकेट में रखती हूँ पूरे शहर को। ध्यान सुनिएगा, यही गाना है जिसमें कलू बोलता है जिए ना देबू का ए पतर को, खरे परान लेबू का ए सवर को। सवर को बोलती हैं और पतर को बोलती हैं, पॉकेट में रखती हूँ पूरे शहर को। बताइए, इस पॉकेट में पूरा शहर आ पाएगा? यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रही है। लाखों आशिक मर जाते हैं मेरे एक मुस्कान पे, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरे एक मुस्कान पे, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। अब बताइए ना, एक मुस्कान पे लाखों लोग कैसे मरेंगे? यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, दिव्या भारती क्या बोल रही है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये तो फेंकने वाली चीज़ हो गई, एक समंदर पार करने के बाद दूसरा कंट्री आ जाता है। सात समंदर पार यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है। सास अपने बहू से परेशान हो गई है, बहू गुस्से में है, सास बाहर निकली है, क्या हुआ, तो पूरे घर को अपने माथे पर उठा ली है, आज जीने नहीं देगी किसी को। झाड़ू लेकर सफाई अभियान, बर्तन धोना, खाना पकाना, बोली कि सासू में आप जाकर बैठिए, तो पूरे घर को अपने माथे पे उठा ली है। बताइए ना, घर को माथे पे उठा पाइएगा? यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आइए, बस हाइपरबली वही काम करता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, जितनी उसकी क्षमता नहीं होती है, क्षमता के ऊपर के चीज़ों को करते हैं, तो वो एग्जाम्पल अपने आप में हाइपरबली का होता है। समझते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लीजिए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये हाइपरबली अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। इन विच, वो हिस्सा है जिसमें पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को एग्जेजरेटेड किया जाता है। इसको पढ़ेंगे एग्जेजरेट, मतलब जब चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, जितना क्षमता नहीं होता है उसके ऊपर का करते हैं। समझिए, फेंकते हैं, ये फेंकते हैं कि मेरे घर पर रोज करोड़ों रुपया आता है, लो ना। तो यही चीज़ है, जब चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में हाइपरबली। एग्जाम्पल को देखेंगे। लिखा है शी शेड ओशन ऑफ टीयर्स, वह सागर भर आंसू बहा दी। ये ओशन मतलब होता है समुद्र, महासागर। अब बताइए, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, टीयर आपके आंसू समुद्र भर हो सकता है क्या? ना ना, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया कि समुद्र भर आंसू बहा दी। फिर है, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। एक मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 लैक्स। अब बताइए, 10 लाख बार किसी से कोई कहते हैं क्या? एक बार बोलते, दो बार बोलते, तीन बार? अरे पढ़ो बेटा, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। नहीं बैठा, तुमको पढ़ने के लिए बैठे थे, बैठा नहीं है, बैठ जाते पापा। अरे तुमको लाख बार बोल दे पढ़े बैठने के लिए, कब बैठेगा? पापा थोड़ा सा देखने ले दीजिए, पढ़े बैठ। मतलब कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुमसे 10 लाख बार कहा है कि अपने रूम की सफाई कर लो। यानी कि ये 10 लाख बार जो आया है ना, इसका मतलब है हाइपरबली, बढ़ा चढ़ा के आप चीज़ों को प्रस्तुत करिए। ये भी अपने आप में हाइपरबली का एग्जाम्पल है, ये भी अपने आप में हाइपरबली का एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड विल फ्लो इन द बैटल ग्राउंड, युद्ध के मैदान में। बैटल ग्राउंड मतलब होता है युद्ध के मैदान में, युद्ध ना हो। महाभारत को ले लीजिए, कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेकर आए थे कौरवों के पास कि युद्ध ना हो, यदि युद्ध होगा तो इस युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहेंगी,
खून की नदियाँ बहेंगी। अब बताइए, खून बहेगा तुरंत सूख जाएगा, बहेगा सूख जाएगा, नदी कहाँ से बन जाएगी? लेकिन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में हाइपरबोली का हुआ। चौथे नंबर पे है, इफ़ द रिवर वर ड्राई, यदि नदी सूखी हुई होती, आई वुड फील इट विद टीयर्स। ये आपको फिगर ऑफ स्पीच में भी एग्जाम्पल आया था, और ये एग्जाम्पल हाइपरबोली का है। यदि स्पेसिफिक करके पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये अपने आप में हाइपरबोली का एग्जाम्पल है कि यदि नदी सूखी हुई होती तो मैं इसको अपने आंसुओं से भर देती। अब बताइए, आंसू से नदी भर पाएगा? आंसू से तो एक गिलास नहीं भर पाएगा। बस यही बात है, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। नहीं, गाना है, तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। कह दे कि एक लंबे पेड़ के ऊपर से ऊपर वाले पत्ते को तोड़ कर लाओ तो नहीं ला पाएगा, चांद तारे की बात करेगा साहब। तो यही बात है कि तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उसको पटाने के लिए, उसका आकर्षण अपने तरफ करने के लिए सारा बहला फुसला रहा है। आई वॉक्ड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। अरे यार, कितना दूर है तुम्हारा घर, तुम्हारे घर पे आने के लिए मुझे मीलों की दूरी तय करनी पड़ी। अब बताइए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चला होगा, बोल रहा है क्या कि आई वॉक्ड अ मिलियन माइल्स, लाखों मीलों की दूरी तय करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लाखों मील की दूरी तय करनी पड़ी। ना जी ना, झूठ बोल रहा है गधा, इसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है। तो ये अपने आप में हाइपरबली है। उम्मीद है अब आप लोग हाइपरबली कभी नहीं भूलेंगे। चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझते पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।